बजाज ऑटो ने भारत में नई CT125X कम्यूटर मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जिसकी कीमत 71,354 रुपये एक शोरूम दिल्ली रखी गई है। नई CT125X एक दमदार दिखने वाली मोटरसाइकिल है और इसे तीन रंग विकल्प मिले हैं, ग्रीन और ब्लैक, रेड और ब्लैक और ब्लू और ब्लैक। स्टाइल के मामले में CT125X कंपनी की CT110X के समान है, जिसमें गोल हेडलाइट और LED स्ट्रिप के साथ छोटा काउल शामिल है। बाइक में हेडलाइट गार्ड, क्रैश गार्ड और लगेज कैरियर भी दिए गए हैं। इसमें 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है, जो 10.75 bhp और 11 nm बनाता है। इंजन को 5 स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने शाइन कम्यूटर मोटरसाइकिल का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इस सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 78,878 रुपये एक शोरूम दिल्ली है और ये कई बदलावों के साथ आई है। इसको दो पेंट शेड्स, मैट स्टील ब्लैक मेटालिक और मैट सांग्रिया रेड मेटालिक में पेश किया गया है और इसमें एक गोल्ड फिनिश भी दी गई है। पेट्रोल टैंक और नीचे की तरफ के ग्राफिक्स अब गोल्ड में हैं, जबकि बैजिंग भी सोने के फिनिश में दी गई है। वहीं इसका एग्जॉस्ट मैट ग्रे रंग में आया है। सेलिब्रेशन एडिशन में ब्राउन सीट लगी है और स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसकी कीमत लगभग 1500 रुपये ज़्यादा है। भारत में नई मर्सिडीज AMG EQS 53 4MATIC प्लस पेश करने के बाद जर्मन कार ब्रांड मर्सिडीज अब देश में EQB 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नई लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV इस साल त्योहारी सीजन में भारत में आ जाएगी। ये EQC से सस्ती होगी और भारत में कंपनी का तीसरा इलेक्ट्रिक मॉडल होगा। विश्व स्तर पर EQB तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है, 250, 300 और 350, और कार में ऑल व्हील ड्राइव का भी विकल्प है। इसके सभी वेरिएंट्स में 66.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ऑटो जगत की सारी हलचल सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।